आज से करीब 6,50,00,000 समय पहले जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के एरिए में आने वाले सभी जीव जंतु आग की भट्टी में तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से धरती पर मौजूद 90% प्रजाति का विनाश हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी हर जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो चुके थे। दोस्तों, यहाँ से डायनासोरों का काल खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटे जीवों की प्रजाति के लिए फायदेमंद साबित हुई और वे प्रजातियां थी मैमल्स की, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे। अब धरती पूरी तरह उन विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत होती है एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज यानी मैमल्स समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे और ये आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वे अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। अब समय आया आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के दो बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का हमारा भारत भी शामिल था। इन दोनों भूभागों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये वही पर्वत है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ठंडा हो चुका था और इन पर्वत श्रृंखलाओं से गिरने वाली बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया और ये वही नदियां हैं जो कि आज 50% से ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का स्रोत है। ओलिगोनो इपोच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी पर एक अंश की कमी थी जो था मानव। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बदलने लगी और 40,00,000 साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से वातावरण पूरी तरह बदल गया और इन जंगलों में बारिश होना बंद हो गई और इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पैरोलापिथिक्स। पैरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। आगे चलकर ये बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में बदल गई। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न आने के कारण जंगल पूरे साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे कदम रखा और ये थे अरबी पिथिक्स रेमिडक्स। ये हमारे पूर्वज थे
आज हम इन्हीं से डेवलप होकर ऐसे बने हैं। इस मानव जाति ने सबसे पहले जमीन पर कदम रखा और ये मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था। इनकी शक्ल कुछ हद तक हम इंसानों से मिलती थी और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इनके पास हम इंसानों जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में ये लगभग 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद इन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने के लिए सक्षम बना लिया, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी लंबी दूरी तक आसानी से अपनी नजर घुमा सकते थे। साथ ही साथ इनका दिमाग भी विकसित होता जा रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही और हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हैबिलिस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद उन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान कर लिया कि अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे। और इसके बाद प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से बुद्धिमान थे। होमो इरेक्टस प्रजाति ने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। ये खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद खास थी। उस वक्त ये एक अहम खोज थी। आग की मदद से ये अपने आप को ठंड से बचाए रखते थे और आग इन्हें अंधेरों में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था, इस कारण अब परिवार का निर्माण भी होने लगा। हमारे पूर्वज साथ साथ रहने लगे, इससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आग से पका मांस खाने में बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे ये ऊर्जा उनके दिमाग पर खर्च होने लगी और उनका दिमाग भी आकार में काफी बड़ा हो चुका था। ये पूर्वज अन्य जानवरों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले बुद्धिमान जीव थे। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल हो चुका था, यानी कि हमने लैंग्वेज का विकास कर लिया था, जिसके जरिए वह अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद आज के इंसान की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी होमो हैबिलिस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब वह कहीं पर भी आ जा सकते थे। हमारे पास हथियार थे, उससे भी बड़ी बात उस वक्त हमारे पास बुद्धिमान दिमाग था। और अब हम केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग महाद्वीपों पर निवास करने लगे। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गई और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और फिर पेट पालने के लिए इन्होंने खेती शुरू की और इसी तरह इंसानों ने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा दी और धीरे धीरे आज हमने अपने आप को काफी विकसित कर लिया है। कितनी कड़ी चुनौतियों के बाद हम इंसान अस्तित्व में आए हैं। आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि चांद पर भी कदम रख चुके हैं और विज्ञान की मदद से हम अलग दुनिया के बारे में खोज कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर हमारे जितना बुद्धिमान जीव कोई नहीं है जो हमसे आगे है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।